नमस्कार। आज हम पॉल मर्फी का एक गेम देखने वाले हैं जो कि उन्होंने हेनरी बर्ड के अगेंस्ट खेला था 1858 में। बहुत ही ब्रिलियंट गेम हुआ था ये, और अभी तक जितने भी मैंने गेम्स देखे हैं मर्फी के, उनमें से जो टॉप 2 टॉप 3 गेम्स होंगे वो उनमें से एक होंगे, तो आप उम्मीद है आप चेक करेंगे। हम लोग क्विकली गेम विंडो की तरफ जाते हैं। आज आपको एक चेंज दिख रहा होगा गेम विंडो में कि ब्लैक नीचे की साइड है। सो e4 e5 NF3 D6 फिलेटेड डिफेंस बोलते हैं। आज भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो फिलेटेड डिफेंस यूज करते हैं, D4 F5। बट डेफिनेटली ऐसे मूव्स जो हैं वो आजकल खेले नहीं रहते हैं, क्योंकि बहुत सारा ओपनिंग एनालिसिस के बाद हमको पता चलता है कि, लेकिन उस टाइम जो थियरी थी वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। सो हम लोग क्विकली गेम की तरफ जाते हैं। Nc3 Fe4 Nc4 D5 Nc3। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेरिएशन था वाइट के पास। वैसे भी हमको कोशिश करनी चाहिए हमेशा कि जब किंग सेंटर में होता है और आपके पास एक्टिविटी है, सो इवन इफ यू आर लूजिंग सम मटेरियल, मतलब आपका अगर कुछ मटेरियल जा रहा है पर आपके पास एक्टिविटी मिल रही है, तो आपको उसके लिए सोचना चाहिए। और एटलीस्ट यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए था कि Ne5 में क्या हो रहा है, क्योंकि Ne5 के बाद डीकट E4 क्वीन G5 चेक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि G6 ऑलमोस्ट फोर्स्ड है। Nxg6 Nf6 एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन था। Qe5 चेक, Kf7, Bc4 चेक, ये 4 सीक्वेंसेस थे। और यहाँ के बाद आप देख सकते हैं कि Kg6 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वन मूवमेंट हो रहा है Qg5। लेकिन अगर वो Kg7 जा रहा है ब्लैक, तब आपको थोड़ा सोच के रखना चाहिए यहाँ पे कि क्या हो रहा है एक्चुअली। मुझे उम्मीद है कि आप इसको थोड़ा सोचेंगे कि क्या हो रहा है इसमें। और यहाँ पर डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रांग मूव आ रहा था जिसमें कि बिशप H6 एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव था। यहाँ पे किंग H6 फोर्स्ड एंड देन नाइट इनटू H8, जिसमें कि एक नाइट F7 का थ्रेट है, और डेफिनेटली किंग का पोजीशन इतना स्ट्रांग नहीं है। सो ये पोजीशन एक्चुअली कंसिडर करने लायक था उसमें। लेकिन गेम में जो हुआ वो Nxg3 खेला वाइट ने। E4 Nd5 Nf6, ये एक सॉलिड ठीक ठाक पोजीशन है जहाँ से ब्लैक स्टार्ट कर सकता है। Bg5 पिन करने के लिए खेला था। Bd6 Nh5, फाइनली वाइट इज ट्राइंग टू क्रिएट सम थ्रेट अगेंस्ट दिस नाइट। मतलब उसका मेनली कोशिश यही रहेगा कि मैं Qd2 खेलूँ, लॉन्ग कैसल करूँ, और मेरा किंग मैं इस साइड रखूँ ताकि किंग साइड जो शॉर्ट कैसलिंग साइड है वहाँ पे मैं अटैक करने के लिए जा सकूँ। कैसल किया ब्लैक ने। डेफिनेटली यहाँ पर हमको देखना चाहिए कि F6 को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, और यहाँ पर बहुत मुश्किल था कि ब्लैक लॉन्ग कैसल के लिए कोशिश करे और सेंटर में रखने के लिए बहुत दिक्कत थी उसको। तो Qd2 खेला, ऑफ कोर्स वाइट जो है वो लॉन्ग कैसल के लिए ट्राई कर रहा है। Qe8 पिन जो भी है उनको जितना जल्दी हो सके रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा लाइन है जिसमें बोलते हैं कि पिनिंग इज विनिंग। सो हमको ये जो पोजीशंस होते हैं उनमें पिन नहीं रखने देना चाहिए ज़्यादातर। और डेफिनेटली ब्लैक कोशिश करेगा कि ये जो 3 पीस हैं इनमें से अगर एक या दो पीस एक्सचेंज हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी उसके लिए। यहाँ पर एक्चुअली अच्छा वेरिएशन ये था कि बिशप F6 खेलें, क्वीन इनटू H5, बिशप E2, क्वीन F5 में भी एंड देन बिशप H4। और ये पोजीशन शायद ब्लैक के लिए ठीक रहती, जिसमें सॉरी वाइट के लिए ठीक रहती है वाइट, क्योंकि इसमें शॉर्ट कैसल भी कर सकता है, लॉन्ग कैसल भी कर सकता है, और डेफिनेटली इसमें स्लाइट एडवांटेज रहना चाहिए वाइट के पास। लेकिन वाइट ने थोड़ा यहाँ पर एक फ्लैशी मूव खेला, मैं बोलूँगा G4, जो कि क्लासिकल चेस में अगर हम खेलते हैं तो बहुत सोच के हमको खेलना चाहिए। G4 खेला, Nd2 G4 Nd2 G4 Qh5। ये अभी तक जो स्टार्टिंग जो मुझे एक्चुअली पोजिशन आपको दिखाना है जहाँ से मर्फी ने उसका लाइफ का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन खेला था, वो भी बहुत ही जल्दी आने वाला है। Ne5 Nc6। यहाँ पर एक चीज़ बहुत समझनी पड़ेगी कि वाइट का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीस है वो E5 है, और उसको C6 से अगर हम एक्सचेंज कर लेते हैं तो ये वाइट ब्लैक के लिए बहुत अच्छा होगा। सो बिशप E2 क्वीन H3 टेक्स टेक्स बिशप E3, और डेफिनेटली नेक्स्ट मूव जो है वो लॉन्ग कैसल होने वाला। तो यहाँ पर ब्लैक ने खेला Rb8, बहुत ही ऑब्वियस सा मूव लग रहा है कि जो दो सेमी ओपन फाइल हैं दोनों में एक एक रुक पड़ा है, और दोनों ही बिशप्स ठीक लगे हैं यहाँ पे। सो
बहुत ही इजी मूव था एक्चुअली, लेकिन उसके पीछे जो कॉम्बिनेशन था, उसके पीछे जो समझ थी, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ब्लैक की, वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल थी। क्योंकि यहाँ पर आपको गौर करना चाहिए कि कितने लोग होंगे जहाँ पे, जहाँ से उनको लगा होगा कि यहाँ पे एक बहुत ही ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन नेक्स्ट मूव से आ रहा है। 17 मूव्स हो चुके हैं, अपोजिट साइड कैसलिंग है। अपोजिट साइड कैसलिंग में हमेशा कुछ बातें ध्यान रखते हैं कि जो भी साइड पहले एक्टिविटी गेन कर लेंगी, जो भी साइड पहले फाइल ओपन करेंगी, डायगनल ओपन करेंगी, उसको ज़्यादा एडवांटेज रहेगा। तो इसमें आपके पास कुछ टाइम है जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स को, इनमें सिर्फ हमको ये नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ मूव टू मूव, एक एक मूव का थ्रेड दें। कुछ लॉन्ग टर्म कॉम्बिनेशंस, हमेशा जब भी हम कुछ कॉम्बिनेशन के लिए सोचते हैं तो 3 मूव्स आपको, 3 स्टेप्स बहुत इजीली सोचनी पड़ेंगी। पहला मूव्स विथ चेक्स, कि कितने चेक्स अवेलेबल है हमारे पास कंसिडर करने के लिए। फिर मूव्स विथ कैप्चर, कि क्या क्या हम कैप्चर कर सकते हैं, लाइक इन दिस पोजिशन और रुक इन टू बी टू, और ऐसे रुक और भी कुछ ऑप्शन अवेलेबल हैं। और थर्ड होता है मूव्स विथ चेक, मूव्स विथ कैप्चर एंड मूव्स विथ थ्रेट। तो इतनी बातें भी अगर आपने सोच ली, जहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है कि क्या आपको कैसे आगे बढ़ना है। कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जहाँ पे आपको पता होता है कि पोजिशन अच्छी है, बट वहाँ से आपको कोई प्लान नहीं दिखता, आपको कोई शॉर्ट गोल नहीं दिखता है, ठीक है। सो डेफिनेटली हमको यहाँ पर देखना चाहिए कि इस पोजीशन में रुक इन टू F2 खेला ब्लैक ने ब्रिलियंटली। यहाँ पर पहला पीस सेक्रीफाइस दिया पॉल मर्फी ने बिशप इन टू F2 के बाद, और नेक्स्ट मूव कोई भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि बिशप A3 जैसे मूव आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इसमें एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि क्वीन E3 बहुत ईजिएस्ट वेरिएशन था वाइट के लिए डिफेंड करने के लिए। बिशप इन टू B2, किंग D2, और शायद ये वाइट को डेफिनेटली बेटर रहना चाहिए क्योंकि उतना मटेरियल नहीं है हमारे पास कि यहाँ से हम कुछ और इम्प्रूव कर पाए ब्लैक के लिए। सो इंस्टेड ऑफ बिशप A3, मर्फी ने रुक इन टू F2 के बाद क्वीन A3 सोच लिया। ये बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट, बहुत ही क्रिएटिव साइड दिख रहा है मर्फी का भी, क्योंकि एक मूव में उसने F2 पे रुक सैक्रिफाइस दिया, दूसरे मूव में क्वीन A3 सैक्रिफाइस दिया, और डेफिनेटली आप इसको मार नहीं सकते क्योंकि 1 मूव मेट हो रहा है बिशप A3 और गेम ओवर। सो क्वीन A3 खेलने के बाद आप, जब भी मैं कुछ गेम्स बताता हूँ आपको, यहाँ आप कहीं पे भी कोई वीडियो या कुछ गेम्स आप देख रहे हैं लाइव सेशंस में, तो आप हमेशा कोशिश करें कि आपके पास एक डायरी और एक पेन रहे, जहाँ पे आप जो भी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं सुनने के लिए, जो भी अच्छी बातें आपको पता चल रही है, वो आप उसमें नोट डाउन कर सकें। और बाद में धीरे धीरे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमको पहली बार कोई चीज़ पता चलती है तो इमिडिएटली हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते गेम में, हमने अपने गेम में उसको बहुत जल्दी नहीं ला पाते हैं, तो बेहतर होगा कि आप लिख लें और बीच बीच में पॉज करें वीडियो को, कि आपको समझ आए कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मैं एक्चुअली नहीं देख पा रहा हूँ इतना क्विकली, क्योंकि हमको थोड़े बाइंडिंग्स होते हैं कि थोड़े शॉर्ट टाइम में वीडियोज क्रिएट करने और ये सब बातें। लेकिन मेनली हमारा कोशिश यही होता है कि आपको अच्छे गेम्स जो पुराने हुए हैं वो देखने मिले, और जितना हो सके एनालिसिस करें हम लोग गेम्स को। क्वीन A3 खेला, C3, क्वीन इन टू A2। डेफिनेटली इस पोजीशन में ब्लैक एक फुल रुक डाउन है, लेकिन क्योंकि उसके पास क्वीन A1, क्वीन B2 या रुक B2 जैसे मेट्स लगे हुए हैं, सो B4 इज ऑलमोस्ट फोर्स्ड। क्वीन A1 चेक, C2, क्वीन चेक, किंग B2। डेफिनेटली इधर इधर किंग C1 वापस भी जा सकता था, लेकिन लेकिन इसमें ब्लैक इज नॉट गोइंग टू रिपीट। A5 एक स्ट्रांग मूव थी जिसमें डेफिनेटली वो एडवांटेज के लिए खेलता। किंग B2, बिशप इन टू B4 थर्ड सेक्रीफाइस दिया, रुक इन टू F2 फर्स्ट, क्वीन A3 सेकेंड, बिशप इन टू B4 थर्ड। थर्ड सेक्रीफाइस देने के बाद यहाँ पे रुक इन टू B4 खेला, क्वीन इन टू B4, किंग क्वीन इन टू B4, किंग C2। यहाँ पर भी एक्चुअली देखा जाए तो व्हाइट के पास हेल्दी मटेरियल है, क्वीन के बदले उसके पास 2 रुक और 1 बिशप है, विच इज एक्चुअली गुड, लेकिन पॉन्स का जो रेशियो है बहुत कम है, 2 वर्सेस 7, ये बहुत, और डेफिनेटली किंग खराब है, इसका किंग बहुत अच्छा है। सो ये बातें बहुत ज़्यादा गौर करने लायक है, लेकिन इसके बावजूद भी मर्फी यहाँ पे रुके नहीं, और जैसे ही किंग C2 खेला,
यहाँ पे व्हाइट ने तो e3 दे दिया उन्होंने, क्योंकि नॉर्मली जब बिशप्स जो हमारे पास अगर बोर्ड पे हैं तो उनके डायगोनल्स हमको देखना बहुत जरूरी है कि हम उनको कैसे यूज करने वाले। तो ये बहुत अच्छा देखा कि ये ब्लॉक कर रहा था पॉन, तो इसको सेक्रीफाइस दे दो और फिर उसको यूज करो आगे। सो जस्ट टू ओपन दैट b1 एंड h7 डायगोनल e3 पॉन सेक्रीफाइस दे दिया और विथ मूव, क्योंकि e3 पे थ्रेट है f2 पे। तो बिशप e3 इज फोर्स्ड, चेक, रुक टू d3, क्वीन c4 चेक, किंग d2 फोर्स्ड, क्वीन a2, किंग d1, क्वीन b1, और यहाँ पर जो है वाइट ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि आप बिशप c1 अगर खेलते हैं सो उसमें d3 मर रहा है, और अगर आप किंग d2 खेलते हैं तो h1 मर रहा है। डेफिनेटली इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं था कुछ खेलने का, और आप देख सकते हैं कि कितना ब्रिलियंटली, मतलब मैंने जितने भी गेम मर्फी के देखे हैं तो मुझे याद है कि एक वो गेम जिसमें क्वीन b8 और रुक d8 मेट हुआ था, हम जल्दी बहुत वो भी देखने वाले हैं, वो एक बहुत ही ब्रिलियंट गेम हुआ था, मर्फी ने बहुत ही अच्छा फिनिश किया था बहुत कम मूव्स में। और एक ये गेम जिसमें कि रुक इनटू f2 क्वीन a3, वैसे भी चेस की फील्ड में हमेशा जहाँ पे भी क्वीन सेक्रीफाइस जाता है वो एक गेम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है लोगों को, और बहुत सच में तो वो उसमें क्रिएटिविटी भी होती है, क्योंकि आप जो स्ट्रॉन्गेस्ट पीस है बोर्ड का वो दे रहे हैं, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि और अच्छे गेम्स देखें, सो बीच बीच में कभी कुछ अनोइंग नॉइज ऐसे आते हैं, आवाज़ आती है, लेकिन ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम चेस पे ज़्यादा फोकस्ड रहें, और कोशिश करें कि आपके पास भी अगर कोई वीडियो है, आपके पास कोई अगर गेम है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, डेफिनेटली आई ट्राई कि उनको मैं कवर करूं। और उम्मीद है आप सब्सक्राइब करेंगे, यहाँ पे आपको जो है वीडियो बाजू में दिख रहा है आपको चैनल, तो बहुत जल्दी मिलते हैं, बाय।